आप सबका इस चैनल में बहुत बहुत वेलकम। और ये वीडियो जो आप देख रहे हो, ये हमने पहले बनाई थी। इसमें मैंने पूरी आपको दिखाया था कौन कौन सा कलर यूज़ करना है, कैसे इसको ट्रेस करना है, कैसे इसको कपड़े पे ट्रेस करना है और ये डिज़ाइन कैसे बनाना है, सब मैंने आपको पहला पिछली वाली वीडियो में बताया। और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी पूरी डिटेल कैसे इसको बनाना है। ये मैंने जो फैब्रिक लिया है इसको मैंने फ्रेम में अच्छी तरह टाइट कर लिया है। इसके ऊपर डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी ट्रेस किया है और ये जो कपड़ा है अच्छी तरह पहले इसको धो लेना है और धोने के बाद इसको सुखा के फिर फ्रेम में लगाना है। ये वो लीव्स जो आपको जो दिखाई दे रही है, पहले हम इस डिज़ाइन में सभी लीव्स करेंगे, बाद में हम जो ये फुल दिखाई दे रहे हैं वो करेंगे और इसके बाद जो बाकी सारी लीव्स है उसको हम पेंट करेंगे। ये है हमारा सैप ग्रीन कलर जो फैब्रिक का है, ये हमने निकाल लिया। और ये है हमारा लेमन येलो कलर, फैब्रिक का ही है ये कलर, और ये भी हम निकाल लेंगे। और ये हमने निकाल लिया इसको, ये बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में निकालना है। ये है इंडियन रेड कलर, ये हमने ऐसे निकाल लिया। और साथ में ये है हमारा वाइट कलर, ये हमने सारे कलर जो है निकाल लिए हैं प्लेट में। ये अब ये ब्रश है 6 नंबर का और इसकी टिप है हमने बहुत ब्रीक की हुई है। ये देखो हमने रेड कलर लिया, फिर हमने येलो कलर लिया और ये हमने ग्रीन कलर लिया। ये हम देखो एक कलर से पत्ती नहीं बना रहे, लीव नहीं बना रहे, हम इसको मिक्स कर रहे हैं और मल्टी कलर से बना रहे हैं, मल्टी कलर से बना रहे हैं। ये देखो मल्टी कलर से बना रहे हैं क्योंकि ये हमें एक ब्रश में एक स्टॉक में ही हमें डिफरेंट जो लाइट एंड शेड हमें चाहिए वो मिल जाएगा। अगर जे हम एक एक कलर यूज़ करेंगे वो नहीं मिलेगा हमें, पहले हमें ग्रीन लगाना पड़ेगा, फिर हमें रेड जो इंडियन रेड लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। पहले हमने थोड़ा थोड़ा ब्रश लिया, सब कलर्स का कलर ले और उसको हमने साफ नहीं किया, हल्का हल्का ऐसे ही हमने जो है हमारा क्लॉथ है जो हमारा फैब्रिक है उसमें लगाया। ये देखो हम लगा रहे हैं। ये देखो इसका जो है लीव्स का जो स्टॉक्स लगा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू लीव लगा रहे हैं। जैसे कि देखो जो ब्रश है मैंने उसके डिज़ाइन में ही रखा है, सिर्फ टिप लगा रही हूँ मैं, ब्रश की टिप लगाई है और उसको मैंने साफ़ नहीं किया ब्रश को, ऐसे ही कलर को मैंने एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया। ये देखो अब मैंने थोड़ा सा, मेरे को डार्क कलर चाहिए शेडिंग वास्ते, यहाँ पे हम शेड कर रहे हैं साथ साथ ही, एक एक टाइम में ही हम दो दो तीन तीन कलर मल्टी कलर्स लेके पत्ती का शेड कर रहे हैं। ये हमने एक कलर की पत्ती नहीं बनानी, यहाँ पे हमने मल्टी कलर्स की जो पत्ती है वो बना रहे हैं, लीव बना रहे हैं। और ये देखो ये दूसरी है, दूसरी तैयार होगी। ये देखो पहले हमने रेड इंडियन रेड लगाया कलर और बाद में ग्रीन कलर, इसको हमने फुला देना है। ये देखो हल्का हल्का हमने ब्रश की टिप के साथ इसको फुला दिया, ये लीव जो है हमारी एक तैयार होगी और दूसरी तैयार होने जा रही है। ये देखो अब मैंने इसमें डार्क कलर लगाया और ये देखो डार्क कलर को मैंने फुला दिया, इसके ऊपर मैंने लेमन का टच लगा दिया। ये देखो लेमन का टच लगाया, इसके साथ जो लाइट एंड शेड का है वो आ गया, हमें जो इफेक्ट चाहिए लाइट एंड शेड का वो मिल गया हमें। ये पहले मैंने डार्क कलर लिया इंडियन रेड कलर, उसके साथ सैप ग्रीन कलर, ये देखो
इंडियन रेड कलर, इसको हमने मर्ज कर देना है। साथ में लेमन कलर लिया है इसकी अपोजिट साइड में, ये हमें जो लीव चाहिए थी डार्क एंड शेड की वो हमारी बन गई। ऐसी हम ये नेक्स्ट पत्ती लीव जो है वो कर रहे हैं, और ये देखो साथ में ये बाकी सारी ऐसे ही करेंगे। इसमें मल्टी कलर्स लेने हैं हमने, ये सैप ग्रीन लिया और साथ में लेमन कलर भी है साथ में। ये देखो अब इसको डार्क कलर के साथ पैच लगा रहे हैं। ये लेमन और डार्क, ये लीव्स का हम लाइट एंड शेड दे रहे हैं, और ये कोई सेपरेट नहीं दे रहे, हमने एक ही ब्रश पे दो तीन कलर मल्टी कलर्स लगाए हैं, उसके साथ अपने आप ही ये लाइट एंड शेड आना शुरू हो जाता है। जो पत्ती है जो लीव है वो अच्छी तरह बाहर आ जाते हैं, अपने बेस से वो निखर जाते हैं अच्छी तरह। ये फैब्रिक पेंट के साथ ही आपने ये काम करना है, किसी और पेंट के साथ नहीं कर सकते आप। इसके लिए जो स्पेशल कलर होते हैं ये फैब्रिक पेंट ही होते हैं, और आप इस ऐसा काम आप अपने सूट पे, अपने दुपट्टे में और गले में साथ में के जो घेरा है आपके सूट का उसमें, और कुशन में, बेड कवर में, जुत्ती में, कर्टन में और बेडशीट में, पिल्लो कवर्स में, यहाँ पे आप अपनी मर्जी के अनुसार डिज़ाइन बना सकते हो और उसमें अपनी मर्जी के अनुसार कलर फिल कर सकते हो। ये देखो हमने सब पत्ती है कंप्लीट कर ली। ये वाइट कलर हमने लेना है यहाँ पे, ये वाइट कलर ले लिया। ये साथ में ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर हमने ले लिया। और ये देखो मैंने ब्रश को क्लीन नहीं किया, वाइट कलर मैंने लेना शुरू कर दिया। ये देखो जो स्माल वाले फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें हम ये वाइट कलर फिल कर रहे हैं। ये देखो इस ऑरेंज का इफ़ेक्ट भी आ रहा है साथ में, मैंने ब्रश को क्लीन नहीं किया, साफ नहीं किया, इसको ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ मैं। ये हमारा स्मॉल वाला एक जो है
ख़त्म हो गया। ऐसे बाकी भी हम वाइट कलर से कर लेंगे। और आप ये तीन है छो स्मॉल वाले, ये इकट्ठे हैं तीन, और एक जो है वो सेपरेट है। ये चार फूल हम वाइट और ऑरेंज के साथ ही करेंगे। ये ऑरेंज कलर का टच लगाना शुरू कर दिया हमने, पर जो नीचे वाला हमने वाइट कलर लगाया है वो विजिबल होना चाहिए, उसकी दिख बराबर रहनी चाहिए। इसके साथ लाइट एंड शेड का इफ़ेक्ट आएगा। ऐसे ही हमने बाकी सारे जो स्मॉल वाले फ्लावर्स हैं कर लेने हैं। और आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप डिज़ाइन से ही बनाकर ये काम कर सकते हो, डिज़ाइन के बिना आप फ्री हैंड भी आप अपनी पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग को आराम से कर सकते हो। जैसे जैसे आपका ये फ्लो, हैंड वाला फ्लो चलेगा तो आप बहुत इजी से इसको हैंडल कर लेंगे। ये है हमारा टेल ब्लू कलर, ये हमने निकाल लिया। ये है टर्किश ब्लू कलर। अब पहले हमने टेल ब्लू कलर से ही सारा जो है हमारा फ्लावर उसको हमने कर लेना है। मैंने टिप के साथ ही कलर लिया और बहुत सॉफ्टली ब्रश को हैंडल कर रही हूँ। इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना। अब वाइट कलर का पैच लगाया है। हमें लाइट, यहाँ पे लाइट चाहिए। यहाँ पे ब्लू कलर का ही इफेक्ट दे रही हूँ मैं। जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे ये फूल बना रहे हैं, कोशिश यही करनी चाहिए कि जो कलर है एक दूसरे में मर्ज हो जाए। जैसे कि हम ब्लू कलर लगा रहे हैं, साथ में ही वाइट कलर जो लगा रहे हैं वो मर्ज हो जाना चाहिए। ये हमने ये फूल की पत्ती है जो उसको हम बना रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप इस बारे में पूछ सकते हो।
ये हमने वाइट कलर का पैच लगाना शुरू कर दिया। अब ये है टर्किश ब्लू कलर, टिप के साथ मैं राउंडिटी दे रही हूँ, जो लीव की राउंडिटी है ब्रश के ब्रश से दे रही हूँ मैं। अब ये फ्लावर है, इससे ये फ्लावर की डेप्थ जो है वो दिखाई देगी। ये देखो, इसमें ज़्यादा जो है कलर नहीं यूज़ करना, बहुत कम ही कलर यूज़ करना है यहाँ पे। जितना कम कलर यूज़ करोगे उतनी शेडिंग अच्छी होगी। ये देखो, मैंने सिर्फ टिप से ही कलर लिया और ये मर्ज कर रही हूँ मैं। ये हमारा टेल ब्लू कलर का जो हमने फ्लावर बनाया है वो हमारा बन गया। ये पिंक कलर का हम फ्लावर बनाने जा रहे हैं। पिंक कलर हम निकालेंगे और वाइट कलर ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, वो पहले हम बेस बनाएंगे वाइट कलर का और ये पिंक कलर उसके बाद यूज़ करेंगे। ये वाइट कलर का हम बेस बना रहे हैं इसका, ये इसलिए बना रहे हैं फूल का, ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस हमें जो लाइट एंड शेड चाहिए। ये डायरेक्ट कलर लगाएंगे तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा। ये फूल में हम पहले वाइट कलर बाद में पिंक कलर लगाएंगे, ये आपस में हमने मर्ज कर दिया। ये तभी मर्ज होगा अगर ये वाइट कलर का पहले हमने कोट किया होगा। ये देखो, इसमें भी हमने बहुत कम कलर लेना है, ज़्यादा कलर नहीं लेना हमने। और ब्रश को बहुत सॉफ्टली हैंडल करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना। अगर ज़्यादा प्रेस करोगे तो उसकी शेप जो है वो बिगड़ सकती है। एक जो एक लीव बना रही हूँ मैं, सेकंड वाली लीव में थोड़ा सा डिस्टेंस है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस मैंने लिया हुआ है इसमें। जो फ्लावर्स की लीव्स हैं वो एक एक वक्री वक्री दिखाई दे रही है।
ये हमारा वाइट कलर जो है कंप्लीट हो गया, और ये देखो पिंक कलर से हमने स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे कलर की क्वांटिटी बहुत कम लेनी है। ये मैंने पिंक कलर सब पत्तियों में लगा दिया, बाद में इसको मर्ज कर देंगे। ये मैंने मर्ज कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हुई तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ये हमारा पिंक वाला फ्लावर पूरा हो गया, बड़े वाला, और हम अब छोटा छोटा जो छोटे छोटे फ्लावर्स ने पहले हम उसका बेस कर रहे हैं वाइट कलर का। ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, ये एक बड़ा फ्लावर है, इसके साथ इसकी जो छोटी छोटी लीव्स हैं, इसमें हमने फर्स्ट कोटिंग जो है वाइट की, अब पिंक कलर से हम कर रहे हैं। अब बड़े वाला फ्लावर हमारा पिंक जो है वो हमारा कलर जो फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। ये जो फ्लावर था अब ड्राई हो चुका है, और हमें थोड़ा सा जो पिंक कलर है वो प्रॉपर पिंक कलर चाहिए, इसलिए ये मर्ज नहीं करना कलर, ये डायरेक्ट ही ऐसे ही पिंक कलर रहेगा। और ये इसका मैं टच लगा के और इसको मैं एक्सपेंड कर रही हूँ। इसमें भी कलर बहुत कम लेना है आपने, कलर ज़्यादा नहीं लेना, और ब्रश को बहुत सॉफ्ट हैंडल करना है। जितना सॉफ्ट हैंडल करोगे उतनी फिनिशिंग ज़्यादा आएगी इसमें। ये हमने ये पिंक कलर है, मैंने साइड चेंज कर दी है
कि इसको बनाने के लिए कोई दिक्कत ना आए, इसका जो शेडिंग है वो प्रॉपर वे से हो जाए, इसलिए मैंने साइड चेंज की है। ये देखो मैं शेडिंग कर रही हूँ। ये देखो मेरे को प्रॉपर पिंक कलर चाहिए। अब इसमें कोई कलर मिक्स नहीं किया मैंने। ये शेडिंग है, थोड़ी सी रबिंग करके कलर को मर्ज कर रहे हैं। ये हमारा पिंक कलर का जो फ्लावर है वो हम बना रहे हैं। और ये आप किसी भी कॉटन वाले कपड़े में यूज़ कर बना सकते हो। और ये कॉटन वाला कपड़ा जो है, फैब्रिक है, वो सुपीरियर होना चाहिए जिससे कलर मत जाए। वैसे तो ये कलर नहीं छूटते, अगर इसको अच्छी तरह 24 आवर्स के बाद जो ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है तो इसको बैक साइड में प्रेस किया जाए तो ये और भी मजबूत पकड़ लेते हैं। इसलिए ये है कि बहुत अच्छा होगा कि आप 24 आवर्स के बाद इसको प्रेस कर लें, बैक से प्रेस कर ले तो अच्छा रहेगा, फ्रंट से नहीं करना। अगर फ्रंट से करोगे तो कलर सब जो है निकल जाएंगे, प्रेस के साथ चिपक जाएंगे। ये ब्लैक कलर है जो हमने इसको, ये ब्लैक कलर फैब्रिक पेंट्स है जो हमने इसको हाईलाइट के लिए यूज़ करना है। जो हमने जो ये पेंटिंग कह लो, फैब्रिक पेंट कह लो, जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसको हाईलाइट कैसे करना है, ये हमने ब्लैक कलर यूज़ किया है जो इसको अपने बेस से बाहर को निकालेगा और हाईलाइट मींस उगेड़ेगा। ये फ्लावर्स है और पत्ती है, ये लीव्स को हमने कैसे, सिर्फ आउटलाइन में दे रही हूँ। और ये ऑरेंज कलर के जो स्मॉल वाले फूल है उनकी सर्कल को हल्का सा मैं टच दे रही हूँ ब्लैक कलर से। इससे फ्लावर्स की ब्यूटी और भी बढ़ जाएगी। ये लीव्स है, लीव्स की साइड में और ये बीच में जो मैंने लाइन लगाई है वो ये है, इसके रेशियो को दर्शाता है। ये देखो, और ये लाइंस है, ब्रीक ब्रीक मैं लाइंस लगा रही हूँ। ये फ्लावर के मैंने सिर्फ ब्रश को टिप, बहुत ब्रीक टिप के साथ यूज़ कर रही हूँ और बहुत कम कलर ले रही हूँ। और कलर लेने के बाद ब्रश को जो मैं फैब्रिक में यूज़ कर रही हूँ वो बहुत सॉफ्टली हैंडल कर रही हूँ जिसके साथ ये थिकनेस ना आए। जहाँ पे इसकी थिकनेस आएगी तो मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी, रिदम ख़त्म हो जाएगी। हमें बहुत ब्रीकी से, बहुत ब्रीक। यहाँ पे हमें काम करना है। ये देखो, ये लीव्स की आउटसाइड में हल्का हल्का मैं ब्लैक कलर का टच दे रही हूँ। ये देखो,
अभी देखो, जो स्पेस एक दूसरी पत्ती में थोड़ी सी भी खाली थी वो ये ब्लैक कलर के साथ फिल हो रही है। यहाँ पे हमें डार्कनेस रही चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा दबा के कलर लगाया मैंने। अब हम ये ब्लू कलर का जो है फ्लावर उसको करेंगे। ये देखो, ये हल्का सा ब्लैक कलर का मैंने टच दे रही हूँ। इससे देखना ये फ्लावर कितना ब्यूटीफुल लगेगा, इसकी लुक टोटली चेंज हो जाएगी। जो एक पत्ती एक लीव में और दूसरे लीव में थोड़ी सी स्पेस रहती है वो ब्लैक कलर के साथ कवर हो जाती है। और ये हमारा ब्लैक कलर्स के टच के साथ इसकी प्रॉपर लाइट एंड शेड का हो गया। ऊपर जो टिप है उसमें वाइट कलर लगा हुआ है, मिड में ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर, और ये डार्कनेस टर्किश ब्लू के ऊपर हम ब्लैक कलर दे रहे हैं। ये लीव्स के ऊपर जहाँ पे लेमन कलर है उसके साथ में हम ये ब्लैक कलर की हम लाइन लगा रहे हैं। ये लीव के साथ साथ ही हम इस लाइन को आगे लेके जा रहे हैं। ये पत्ती के बीच में ये देखो, ये हमने रेशे बना ले। जो पत्ती जो लीव थोड़ी सी भी लाइट लग रही है, जो फैब्रिक में मर्ज हो रही है वो ब्लैक कलर से बाहर आ गई। ये देखो, इसकी शेप भी करेक्ट हो रही है। ये देखो, पर ये सबसे ध्यान वाली बात है कि ब्रश को हमने प्रेस नहीं करना, ज़्यादा बहुत सॉफ्टली हैंडल करना है। ये सिर्फ पत्ती और जो फ्लावर्स है उनकी शेप्स को ठीक करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम बड़े वाले फ्लावर में शेडिंग करेंगे। ये ब्लैक कलर है, हल्का हल्का हम इसको ऊपर की तरफ फैला रहे हैं। जैसे जैसे पत्ती की शेप हो, लीव की शेप हो, चाहे वो फ्लावर की हो, चाहे वो वैसे लीव हो, उसी डायरेक्शन में हमें ये करना है। मुझे ये ऐसे ही हमने सारा जो है फ्लावर बना लेना है। और आई होप कि मेरे कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी,
और आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आपको मेरी नवी वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। ऐसे ही हमने सारे फ्लावर को हाईलाइट कर लिया और ये हमारा ख़त्म हो गया। ये पेंटिंग हमने कंप्लीट कर ली, जो डिज़ाइन हमने बनाया है वो हमारा कंप्लीट हो गया। और ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, शुक्रिया।